हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आप पहाड़ों से प्यार करते हैं, खूबसूरती से आपको प्यार है, आप एक हिल लवर हो, तो ये वीडियो आपके लिए। और ज़रूर देखिए इसे, ठीक है, और लास्ट तक देखना ये वीडियो, आपको बहुत पसंद आने वाली है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहनिए, अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। भाई गांव का मौसम, भाई मौसम देख के मजा आ गया। मैं जा रहा था नीचे वाले रूम में अपने, बट बाहर का मौसम इतना प्यारा है ना, मैंने कहा चलो इसे कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो हमें पहाड़ों की तरफ खींच के लेके आती है। और मैं थैंक्स बोलता हूँ गॉड को कि मैंने यहाँ जन्म लिया है और ये मेरी जन्मभूमि है। भाई ये चलिए गांव की बैठक है। गांव में सब लोग ऐसे ही जब एक दूसरे इधर उधर से आते हैं तो एक सामने बैठ के आराम से एक दूसरे से बात करते हैं। और ये गांव के हमारे पुराने मकान हैं जो कि अभी पूरी तरह से खंडर हो गए हैं। तो अभी यही हमारा पुराना गांव था, इसी जगह पे हम बचपन में खेले थे। अभी तो सब नए नए घर बन गए, तो ये जो पुराना गांव है ये ऐसे ही छूट गया है, बट मज़ा बहुत आता है यहाँ पर। बोलो कुछ गांव में आम हमने खेत में था बाग, अभी वहाँ नीचे अभी वो चला गया उस साइड में, वो अभी दिखेगा नहीं इतनी दूर से, जो आपको वहाँ पर गांव दिख रहा है। ये जितेंद्र सिंह, ये हमारे गांव के मशहूर, अरे बोगटा ना यार, खड़ोदा खड़ोदा बोगटा मतलब काड़ू काड़ू। और ये है तिमले, जैसे फिग होता है उस टाइप का है ये फ्रूट एक, तो ये देखो मैं दिखाता हूँ इसको अभी तोड़ के, तोड़ 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 खोल उसको खोल उसको, ये देखो ये है फिग, खा ले, उसमें कीड़े नहीं होने चाहिए बस देख के। ये वो जगह है जो हमारे दादा परदादाओं ने अपने खून पसीने की मेहनत से संजोया था। ये मकान उन्होंने बना के तैयार किए थे और अब इनकी हालत ऐसी हो गई है, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर पलायन जो होता है वो लोग रोज़गार के चक्कर में यहाँ से निकल जाते हैं, बट यहाँ पे जितने भी ये घर हैं ये थोड़ा सा इस पानी की वजह से, और प्लस यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा नीचे से टूटना स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से सब खंडर से हो गए हैं। तो ये है गांव का मौसम, क्या प्यारा और कसम से नज़ारे आ गए। सॉरी, थोड़ा सा चलना पड़ता है, बाकी आप मेरे पीछे देख सकते कितना मस्त व्यू है। ये गांव को नजारे देखो, ये है गांव के नजारे। अब हम रोड से थोड़ा सा ही नीचे हैं, तो हम रोड के पास पहुंचने वाले हैं। तो आदि मुझे कुछ टिप्स दे रहा था कि चाचा ये चीज़ें करो, ऐसा करो, तो मैंने कहा ओके। बाकी वो तो जल्दी जल्दी भाग के निकल गया ऊपर,
और पीछे पीछे भैया भी चले गए, मैं रुका हूँ आपको ये सुंदर सा व्यू दिखाने के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, क्योंकि हम लोग बाहर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं तो यही चीज़ है हम वहाँ पर मिस करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है जब ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ, यहाँ पे आके एक जन्नत वाली फील आती है। ठीक है, ये आप कभी भी लैंसडाउन में आओ ना तो ये वाला मौसम आपको हमेशा मिलेगा, बहुत ही अच्छा मौसम है। देखो अभी भी आप देखो ना, यहाँ पे सारे चीड़ के पेड़ हैं और इतनी अच्छी यहाँ पे हवा चल रही है, बहुत ही प्यारी यहाँ पे हवा चल रही है। ये देखिए कैसे, मतलब हर एक छोटा बड़ा हर पेड़ पौधा एक अलग से आनंद दे रहा है, मतलब हवा के झोंकों को महसूस कर रहा है, एक एक म्यूज़िकल डांस जैसा हो रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा मोमेंट है ये, कभी भी आप लोग पहाड़ में आते हैं हो, पहाड़ में जाते हो तो ये चीज़ें आप हमेशा इंजॉय करते होंगे। और थोड़ा सा मुझे चढ़ना पड़ रहा है ऊपर, तो आप थोड़ा सा हालत ख़राब हो रही है, सांस फूल रही है, और प्लस आप मेरे आज थोड़ा सा बालों का भी हेयर स्टाइल ऐसा ख़राब सा हो गया, पूरे बाल उड़ से गए तो वो अजीब सा लग रहा है अभी। ये है हमारा नर्सरी वाला एरिया जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगते हैं, उसके बाद ये यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, उसके बाद ये प्लांटेशन वहाँ पे होता है, तो ये जंगलात के अंडर में आता है पूरा। और अभी हम पहुँच गए हैं रोड के पास, तो ये है रोड और ये है, इसको यू टर्न बोलते हैं। यहाँ पे दो टर्न है, एक फर्स्ट ये वाला, एक इससे ऊपर वाला। अरे गाँव में चल रहे आदि के इधर। देखे भाई नजारे नजारे मिंजार नजारे, ऐसी जगह आप जन्नत नहीं है ये तो क्या कहेंगे, ये किसी जन्नत के नज़ारे से कम है। बहता झरना, शुद्ध हवा, यो देखो पानी कितना मस्त आ रहा है। तो भाई रोड हो गई है ब्लॉक, पेड़ गिर गया है यहाँ पे गिर, क्योंकि कल रात को जो बारिश हुई थी उसकी वजह से ये पेड़ गिर गया है। तो अभी हमें यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा टाइम क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन अभी मिल नहीं पाया, बट अभी ये क्रेन यहाँ पे थी तो इसी के जरिए हम इस चीज़ इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।
तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं इसको हटाने की, ये हट जाता है तो हम निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ से, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर यही होता है कि हल्की सी बारिश हो जाए या फिर हवा तेज़ चलनी स्टार्ट हो जाए तो कोई ना कोई पेड़ आपके रोड पे गिर जाता है या फिर साइड में पत्थर वगैरह आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा पहाड़ों में चलती है, तो इस वजह से थोड़ा हमें करना पड़ेगा वेट और उसके बाद हम निकलेंगे फिर अपने सफ़र पे। अभी यहाँ पे उरका था रास्ता ब्लॉक और अभी रास्ता है, रास्ता जो है वो खुल गया है, तो अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अभी हम भी निकलने वाले हैं। काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 1-2 घंटे लग गए यहाँ पे खड़े खड़े, तो अभी हम निकलने वाले हैं। तुम्हारा भाई करेगा ड्राइव अप, अब यहाँ से जा रहे हैं हम कोटद्वार की तरफ। और सबसे अच्छी चीज़ पहाड़ों में यही है कि अभी आपने देखा था कि वहाँ पे एक पेड़ गिरा था, सब लोग एकजुट होकर उसका सोल्यूशन निकाल दिया था, और यही चीज़ें पहाड़ों में बहुत अच्छी है कि आपको लोग मदद करने से पीछे कभी नहीं हटते। आपको जब भी ज़रूरत होती है या जब भी मदद चाहिए होती है पहाड़ों में, कभी भी आप पाते हैं तो आपका सब मदद करते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है पहाड़ों में। तो अब पहाड़ों का एक अलग मज़ा है, देखो गाड़ी चलाने का भी एक अलग मज़ा है, और मुझे सबसे ज़्यादा इन्जॉय आता है पहाड़ों में गाड़ी चलाने का। मैं हालांकि सेकंड या थर्ड टाइम यहाँ पे अभी, मतलब इतना लॉन्ग लेके जा रहा हूँ गाड़ी, तो बहुत ही इन्जॉय करता हूँ मैं ये चीज़। और ये यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको पूरी रोड ना बहुत ही ग्रीन मिलेगी, और जैसे कि ऊपर आपने देखा था ऊपर साइड में आपको मिले थे चीड़ के पेड़, और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं साल के पेड़, और जो कि साल की लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं, ये फर्नीचर के काम आती हैं, प्लस साल की पत्तियों से जो पत्तल वगैरह बनते हैं, तो साल को काफ़ी बेनिफिट है साल से। तो ये पूरा जंगलात का एरिया है। तो अभी हमने दुबड्डा क्रॉस करके अभी हम पहुंचने वाले हैं माँ दुर्गा देवी के मंदिर में तक। माँ दुर्गा का मंदिर यहाँ पे बहुत ही फेमस है और लोगों की बहुत ही श्रद्धा है यहाँ पे, लोग काफ़ी दूर दूर से माँ दुर्गा के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये जो रोड है, ये रोड पूरी नदी के किनारे किनारे कोटद्वार तक है, तो ये वही नदी है जो कि हमने ऊपर में फर्स्ट वीडियो में देखी थी जब स्टार्टिंग हुई थी, वही नदी नीचे आते आते बहुत ही बड़ी हो जाती है, तो ये वही नदी है। और ये माँ दुर्गा का यहाँ पे मंदिर है, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे आते हैं जो दर्शन करता है। और ये वही नदी है, देखो पानी बहुत ही बढ़ गया है और बहुत ही काला पानी है, तो यहाँ छोटे छोटे झरने जो हैं इसमें आके मिल जाते हैं। आजा। अभी हम हैं दुबड्डा के दुर्गा मंदिर के पास, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ नदी जो कि बहुत ही तेज आ रखी है। अभी बारिश हुई थी सुबह, इस वजह से नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो दिखाता हूँ नदी का पानी। आप मेरे पीछे वैसे भी देख सकते हैं, ये देखो नदी कितनी बहरी, अगर साफ नहीं दिख रहा भाई। आज किस्मत ही ख़राब है, जहाँ पे देखो ना वहीं पे रोड टूटी हुई है, यहाँ पे JCB पे लगा हुआ अपने काम पे। और ये देखो, ये भाई साहब को ज़्यादा जल्दी हो रही है, गाड़ी आ गया आकर भाई साहब। मैगी खाने के लिए आगे आधी को लगी थी भूख, तो उसके लिए मैगी बनवाने थी, पर यहाँ पे मैगी मिली नहीं, तो आदमी का आदि का बन गया बेवकूफ, और आदि को लगी है भूख अभी बहुत ज़्यादा, तो आगे को अब आगे जाके खिलाएंगे मैगी, अगर मिल गई तो, नहीं मिली तो नहीं खिलाएंगे आज।